देवाराम जी, मंच पर उपस्थित हमारे तमाम संघर्षों के नेतागण और इस कार्यकर्ताओं सम्मेलन में हमारे बहुत ही प्रिय बहनों और भाइयों, आप सबको मेरे तरफ से लाल सलाम, नमस्कार और प्रणाम। हमें बेहद खुशी है कि आप लोगों ने तमाम गांव की बैठकें करके हमारे पार्टी की तैयारी शुरू करके आप यहां इस सम्मेलन में हर पोलिंग बूथ सेंटर से जो जिम्मेदार साथी हैं वो सब यहां एकत्रित हुए हैं। मैं आप सबको बधाई देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि युद्ध जारी है और युद्ध में कार्यकर्ताओं की सबसे बड़ी भूमिका होती है, उसकी तैयारी में आप लोग आए हैं, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। मेरे प्रिय साथियों, आज की देश की राजनीतिक हालात को देखकर राजस्थान की चुनाव और राजस्थान चुनाव के विशेषकर हमारे पार्टी CPIM और लाल झंडे जहां जहां जिन सीटों पर लग रहे हैं उसकी एक जबरदस्त महत्व है, उसकी एक बहुत अहम एक रोल है जो हर कार्यकर्ता को आज समझने की सिर्फ जरूरत नहीं है लेकिन आंतरिक रूप में ग्रहण करके उसके आधार पर आगे कदम बढ़ाने की जरूरत है। वो कौन सी एमएलए है, वो क्या भूमिका है? आज मेरे प्रिय साथियों, हमारे देश पूरे तौर पर पूरी पूंजीवाद का अग्रसर रूप का एक शिकार बन रहा है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की जो सरकार है वो सरकार दिल्ली की सरकार की बहुमत, केंद्र सरकार की बहुमत का दुरुपयोग करके इस देश को लुटेरों की देश में बदलने का जो प्रयास है वो पूंजीवाद के साथ तानाशाही लोग अपना रहे हैं कि जो मजदूर बोलेगा, जो किसान संघर्ष करेगा इसके खिलाफ, उसके खिलाफ हम तमाम गलत कानून को इस्तेमाल करके उनकी आवाज दबा देंगे। किसानों के संघर्ष में ये प्रयास किया लेकिन मेरे प्रिय साथियों, ये दुनिया के इतिहास में एक नया इतिहास पैदा हुआ कि एक ऐसे पूंजीवादी देश में जहां तानाशाही सरकार बैठी हुई है वहां उस देश के किसानों ने अपने एकता के आधार पर, त्याग और कुर्बानी और संघर्ष की भावना के आधार पर उस बुलडोजर को रोका। ये किसानों की शक्ति का आपने प्रदान साबित किया लेकिन ये केवल एक मिसाल है। एक तरफ ये अग्रसर पूंजीवाद, दूसरी तरफ आरएसएस के जो भयानक हमारे देश की जो सामाजिक ताना बाना है उसको बिगाड़ने का, उसको तोड़ने का धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, संकीर्ण पॉलिटिक्स के नाम पर उन्होंने पूरे देश में उसका पूरा प्रचार किया और पूंजीवाद का जो नीतियों का असर है मेरे प्रिय साथियों, उसको दबाने के लिए धर्म के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर एक व्यापक पहचान बनाने का प्रयास किया कि मजदूर मर रहा है, किसान मर रहा है, हमारी महिलाओं के ऊपर महंगाई का सबसे बड़ा बोझ डाला जा रहा है, किसान मजदूर महिलाएं स्टूडेंट यूथ उस सब के ऊपर बोझ है। आरएसएस का ये कहना है ये बोझ सब भुलाया जाएगा क्योंकि ये हिंदुत्व है, हिंदू धर्म का बोलबाला है, तमाम परेशानियों को ये लोग भुलाए जाएंगे, ये उनकी पॉलिटिक्स है, ये राजनीति है।
और हर जगह वोट को इस हिंदुत्व के नाम पर बांटने के लिए क्या किया नू में, क्या किया हरियाणा में, सब जगह जो कर रहे हैं। अरे जो अपराधी है, जो आतंकवाद है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसको पकड़ के कानून लगाकर जेल में भेजो। लेकिन आप दंगे करवाकर, आप भारत को हथियार के रूप में इस्तेमाल करके, बुनियादी मांगों को एक तरफ करके, आप वोट किए जहरीला रास्ता जो आप ले रहे हैं, आप हिंदुस्तान और भारत का सबसे भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं ये देशद्रोही सरकार, ये भाजपा आरएसएस जनता को बांटकर ये देश की हितों के खिलाफ ये सरकार काम कर रही है। मेरे प्रिय साथियों, ये हमें समझने की जरूरत है। और दूसरी तरफ जो विपक्ष के नेता के रूप में अपने को पेश करते हैं कांग्रेस पार्टी, खेल की बात ये है कि जहां जहां उनकी सरकारें चल रही है वहां कोई भी वैकल्पिक नीति दिखाई नहीं दे रहा है। इस राजस्थान में किसानों के लिए, मजदूरों के लिए पिछले 5 साल उन्होंने क्या किया वो आप सबके सामने है। और इसलिए चुनाव के 6 महीने पहले आपका और हमारा टैक्स का पैसा का दुरुपयोग करके हर जगह गहलोत की छवि लगाकर कुछ कुछ यहाँ बांटने का वायदा करके वो हमारे कुछ 5 साल का कड़वा अनुभव को भुलाने का काम कर रहे हैं। विगत की नीति नहीं है। पूरे देश भर में जो राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर आर्थिक नीतियों की विकल्प के रूप में अगर कहीं कोई विकल्प दिखाया सरकार ने, वो है केरल के अंदर, जहां इस लाल झंडे के नेतृत्व में मेरे प्रिय साथियों किसानों की, मजदूरों की, महिलाओं की हितों को बचाए हुए, केरल की एकता को बचाते हुए हमने वहां इस लाल झंडे के नेतृत्व में एक वैकल्पिक सरकार की नीति का मिसाल हमने हिंदुस्तान में। भ्रष्टाचार नहीं, लूट नहीं, जुमला की नारे नहीं, हमने वैकल्प बताया। और उस केरल के अंदर जहां विकल्प है, जहां जनता की पक्ष की पॉलिटिक्स है, वहां ये कांग्रेस और बीजेपी एक साथ मिलकर इस लाल झंडा को दबाने का प्रयास बेशर्म के साथ कर रहे हैं। राहुल जी का भारत जोड़ो यात्रा हुआ, उस भारत जोड़ो यात्रा में यूपी में नहीं है, जहां सबसे ज्यादा विभाजन की पॉलिटिक्स आरएसएस चला रही है। गुजरात में नहीं गए, जहां चुनाव होने थे और बीजेपी आरएसएस ने सांप्रदायिकता फैलाने का प्रयास किया, वो गए केरल में। 18 दिन केरल में गए, बोले भारत जोड़ो, लेकिन केरल के अंदर बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर उन्होंने लाल झंडे के खिलाफ, जहां बीजेपी की एक भी एमएलए नहीं है, वहां उन्होंने 18 दिन गुजारे। मेरे साथी, ये उनकी असली राजनीति है, जहां असली विकल्प है मजदूर किसानों की, वहां कांग्रेस और बीजेपी एक होकर इस लाल झंडे को दबाने का प्रयास करते हैं। इसलिए मैं कहती हूं जो ये चुनाव है, इसकी अगर हम संपूर्ण देश की राजनीति को सामने नहीं रखेंगे कि आज इस देश की जरूरत है विकल्प की, आज इस देश की जरूरत
मध्यम वर्ग की मेहनत करने वालों की, कर्मचारियों की, महिलाओं की, यूथ और स्टूडेंट्स की, अगर उनकी आवाज उठाना है, ये इतिहास गवाही है कि जब वामपंथ मजबूत है, जब लाल झंडा मजबूत है, सड़कों पर हम मजबूत है, जब सड़क की आवाज हमारी शक्ति से हम विधानसभा और पार्लियामेंट में पहुंचाते हैं, तभी मजदूर किसानों का, जो इस देश की मेहनत करने वालों की आवाज है, तभी वहां पहुंचा पाती है, तभी नीतियों पर अंतर होता है, तभी हमारे हित और मांग आगे बढ़ते हैं। ये राजनीति है आज, उस राजनीति को बचाने में ये आप हैं सीपीएम के कार्यकर्ता, हमारे उम्मीदवार के लिए आप लोग यहाँ आए हुए हैं, सब कुछ छोड़कर यहाँ आए हुए हैं। मैं इसलिए कहती हूँ, उनके पास धन दौलत है, हमारे पास अपने कार्यकर्ता है, कुर्बानी की, उस कार्यकर्ता की कुर्बानी की शक्ति हमारे पास है, जो उस धन दौलत को हम उड़ा सकते हैं हमारे कार्यकर्ता की एकता के आधार। राजनीतिक पृष्ठभूमि में राजस्थान में अगर हम देखें, सबसे बड़ी जो हमारे राजस्थान की लाल झंडा है, जो पूरे देश भर में एक सबूत के रूप में, मिसाल के रूप में हम पेश करते हैं कि हम अपने वैकल्पिक नीति के आधार पर यहां जन आधार तैयार किया, बीजेपी के खिलाफ संघर्ष करते हुए, कांग्रेस के खिलाफ संघर्ष करते हुए, हमने यहाँ अपना एक स्वतंत्र जन आधार को तैयार किया, जिस जन आधार को आज हमें मौका मिल रहा है उसको आगे बढ़ाने के लिए। इसलिए मैंने कहा कि आज इस पृष्ठभूमि को हमें समझने की जरूरत है, और उसमें अगर हमारा दिमाग साफ है तो मेरे प्रिय साथियों, हमें आगे बढ़ने की सिर्फ नहीं, इस चुनाव में जीत हासिल करने की कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो हमें रोक सकता है। ये हकीकत इस चुनाव में हमारी समझ में जो पांच मुख्य बिंदु है उसको हर कार्यकर्ता को समझना और जनता के बीच ले जाने की आज सख्त जरूरत है। इस चुनाव में कौन से पांच बातें हैं? पहली बात ये, हमारे उम्मीदवार, लोग कहते हैं उम्मीदवार पार्टी किसी को देती है, पार्टी इसको देते हैं, उसको देते हैं, आपस में झगड़े हैं ये तमाम भूजवा दलों की, उनकी उम्मीदवारों के बारे में हमारे साथियों ने बताया। तो पहला बिंदु जो उम्मीदवार का है, हम गर्व के साथ कहते हैं, केवल इस दाता रामनगर, दाता रामगढ़ की क्षेत्र नहीं, इस पूरे राजस्थान में जो एक ऐसा नेता है, जनता के साथ रिश्ते मजबूत रखते हुए कभी भी किसी भी मेहनत करने वालों की हित की सवाल अगर सामने आता है, जिसने कभी भी उसके साथ समझौता नहीं किया है, वो है कमल नाथ। इसलिए लोग बोलते हैं ये अमला नाम नहीं, ये सबका नाम है, ये भी सारे लोग बोलते हैं। जब वो एमएलए थे और वो हर क्षेत्र में जाते थे तो लोग कहते थे वो केवल एक क्षेत्र का एमएलए नहीं, ये राजस्थान की हर नागरिक की आवाज, न्याय के लिए आवाज उठाने वाला, ये हमारा उम्मीदवार है।
और आज आपने फैसला किया, पार्टी ने फैसला किया, केंद्र कमेटी ने फैसला किया कि इस बड़े संघर्ष की नेतृत्व दान देने वाले हमारे साथी हमारे कॉमरेड अमरा राम वो इस क्षेत्र की उम्मीदवार है। और देखो दूसरों की छवि, मुझे अच्छा नहीं लगता है कि हम दूसरे व्यक्तियों के बारे में बोले, लेकिन मजबूरी में भी बोलना पड़ रहा है कि कौन होते हैं चुनाव लड़ते हैं, कि कौन सी बात है कि कोई परिवार के नाम ये मैं हूं और मैं ही सब कुछ हूं और मेरे बाद मेरा बेटा होगा और बेटा के बाद वो उसके बेटे होगा, ये कौन सा तरीका है। अरे काम करके दिखाओ, जब ये खड़े हुए पिछले चुनाव में बोले, अरे ये मेरे आखिरी चुनाव है, मुझे वोट दो। और यहाँ के वोटर दयालु हैं, सोचे आखिरी चुनाव में वोट दें, लेकिन उसकी जेब से और ताश निकाल कर बोले हम तो गए मेरा बेटा को दो। और इनका बस का चलता तो और भी इस प्रकार करते जो खुद अपने परिवार को नहीं संभाल पाए। यहाँ हमारी महिलाएं बैठी है, ये शर्म की बात है कि कोई महिला जिला पंचायत की